हेलो फ्रेंड्स, आज एक दुर्घटना हो गई है और तूफान आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके कारण क्या हुआ है कि ये पेड़ गिर गए हैं। ये देखिए मेरा पेड़, देखिए पूरा उखड़ गया, मतलब यहाँ से सॉरी, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है, 10 फीट का है और ये देखिए गिर गया यहाँ से। अभी मैं इसको बांध दूँगा दोबारा। और ये देखिए पेड़ इनकी क्या हालत हो गई है, देखिए क्या बिल्कुल ही गिर गए हैं ये सारे पेड़। मुझे बांधना पड़ेगा बांस के साथ। ये देखिए क्या हाल हुआ है, भिंडी के आप पौधों का एक बार पोजीशन देखिए, क्या हो क्या गया इनको। कल तक देखिए, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कितने अच्छे से लगे हुए थे। ये देखिए ये बीच वाला पेड़ भी, इसका भी यही हाल, सारे एक तरफ झुक गए हैं। शुक्र है कि ये पेठे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को इसका डर लगता है। ये मेरे पेठे मुश्किल से एक लगा है। ये देखिए वो जो पहले लगा था, ये पकना शुरू हो गया। और बाकी प्लांट्स फिर भी ठीक हैं थोड़े से, लेकिन ये देखिए कितना गंद पड़ गया फिर से सारा। मैंने अभी सफाई की थी, ये भी नीचे गिर गए थे मेरे प्लांट्स, ये भी दोबारा उठाए तो बड़ा नुकसान हो गया। ये देखिए पौधे कैसे झुक गए हैं फिर से, ये सारा, ये देखिए सारा झुक गया, इसको मुझे दोबारा बांधना पड़ेगा। ये देखिए जैसे भिंडी के पौधे, देखिए कितना कितना देखिए नुकसान हुआ लग रहा है। ये देखिए सारी बाल्टियां अपने आप गिर गई हैं, नेट गिर गया, सब आंधी ने सारा तहस नहस कर दिया। ये मैंने ग्रीन नेट लगाया था, अभी बांस ही टूट गया। तो बाकी प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन ये बड़े प्लांट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं ये, तो इनको प्रॉब्लम होती है। बाकी देखिए फिर से धूप निकल आई है, बारिश इतनी हुई नहीं जितनी धूप निकल आई, लेकिन चलिए आज मेरे को पानी नहीं डालना पड़ेगा, ये काम अच्छा हो गया। मेरी छुट्टी, मुझे छुट्टी मिल गई एक लेकिन काम उतना ही है मेरे को, ये सारे ठीक करने पड़ेंगे जो आधा घंटा लगता है। तो एक दिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि पानी कैसे डालना है प्लांट्स में, तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये देखिए ये पौधे मेरे बच के, ये मैंने इनको बांधा हुआ था, इनके फ्लावर्स भी अभी मुरिंगा में बदले नहीं है ड्रम स्टिक्स में। ये देखिए एक छोटा सा लगा है, अभी ये बड़े हो जाएंगे, इनको फ्लावरिंग नहीं हो रही है जो बड़े वाले हैं, ये इसको फ्लावरिंग हो रही है जो मैंने साइड्स पर लगाए। देखिए तो सही आप इसकी हालत क्या हुई है एक बार देखिए, आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश और वो आया होगा तूफ़ान, इसकी हालत से आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। अभी मैं इसको इसके साथ बांध दूँगा अभी यहाँ पर, और कुछ इनका परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी लाइट भी चली गई आज, तो बाकी प्लांट्स वैसे ठीक हैं, लेकिन ये एक बेल भी मेरे को लगता है थोड़ी सी कहीं से टूट गई है, ये बेल एक बीच में टूट गई लगती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये पौधे तो खड़े हो जाएंगे, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो पौधे टूट जाते हैं इनका बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए बैंगन सफ़ेद और पर्पल तोड़ लेते हैं, चलिए वीडियो बना लेते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए बाय बाय, आज इतना ही है, फिर मिलेंगे।